पलवल जिले के गांव हुचपुरी में 3 कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांव के सरपंच को सस्पेंड कर दिया, जिन पर ये आरोप था कि उन्होंने गांव में बाहर से आने वाले लोगों की जानकारी छिपाई थी। डीसी नरेश नरवाल ने 5 गांव के सरपंच को सस्पेंड कर दिया। गांव हुचपुरी, मल्हूका, दुरेंची, मठेपुर और छायसा के सरपंच सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ इन 5 गांव के नंबरदारों व चौकीदारों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए, जिससे जमात की गांव में पहुंचने की सूचना प्रशासन से छिपाई गई थी, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए हथीन थाना क्षेत्र के जवाब तलब किया गया। इन्फॉर्मेशन आई कि मरकज की जो नमाज के बाद में जो आए हैं लोग निजामुद्दीन से, वो कुछ लोग यहाँ पर भी हैं अवेलेबल। तो ऐसे हमें जब पुलिस के माध्यम से, जो प्रशासन के माध्यम से मिले, ऐसे 12 लोग मिले, जिनमें से 10 बांग्लादेश के नागरिक और 2 लोग उनके साथ में उनके ट्रांसलेटर थे। उन 12 लोगों को आइसोलेशन वार्ड के अंदर एहतियात के तौर पर रखा सिविल हॉस्पिटल में और उनके सैंपल्स भेजे गए। उन 12 में से 3 लोगों के सैंपल्स कोरोना पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव आए हुए हैं, और उनको उनकी जो ट्रीट प्रोटोकॉल के हिसाब से आइसोलेट किया गया है और उनको अलग रखा गया है। बाकी जो 9 लोग हैं आइसोलेशन वार्ड में, वो अलग रखे गए हैं। इसके अलावा उनके कंटेक्ट्स की ट्रेसिंग में या और जो लोग जमात के अंदर गए थे, अलग अलग प्रकार के जमात थे, जो जिसके अंदर विभिन्न प्रदेशों से जमात के लोग पलवल में आए हुए थे, उनको भी ट्रेस किया गया। तो वो हमें पाया कि ऐसे लोग भी हैं जो कि 43 लोग अभी पिछले 14 दिन के अंदर ही 17 तारीख को यहाँ आए, और क्योंकि पिछले 14 दिन के अंदर एक्सपोजर ज़्यादा होता है, उन्हें भी आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। और इसके अलावा लगभग 66 लोग और हैं जो उनके संपर्क में थे, उन्हें क्वारंटीन सेंटर के अंदर रखा गया है। उनकी भी अभी रिस्किंग और उनकी जांच जारी है कि उनमें से कौन कौन लोग पुलिस के माध्यम से, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिली और एहतियात के लिए उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। अभी भी पुलिस के माध्यम से इन्फॉर्मेशन अगर आती है कि अगर कोई और भी इस प्रकार के उनके कंटेक्ट्स में है, तो उन्हें भी क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। इन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री को जब ट्रेस किया, जो ये 12 लोग थे बांग्लादेश सिटीजन जिनमें से 3 पॉजिटिव आए, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री को जब ट्रेस किया गया, तो आया कि इन्होंने 201 घरों के अंदर विजिट किया। उन 201 घरों को भी क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन के तौर पर रखा गया है। वहाँ पर भी उनको स्टैंपिंग के लिए बोर्ड लगाए गए हैं। और इसके अलावा उन 5 गांवों में जिन के अंदर ये मिले हैं, उन 5 गांवों को एक कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। वहां पर प्रशासन उसको बैरिकेडिंग करके सेपरेट कर रहा है और मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया जाए। वैसे भी पूरे जिले के अंदर, पूरे देश के अंदर लॉकडाउन किया गया है, मूवमेंट वैसे भी रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन प्रशासन की इस एरिया के अंदर ज़्यादा गौर रहेगा, क्योंकि बीमारी को फैलने का खतरा ज़्यादा हो जाता है जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव केस आते हैं। और इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कि जो ट्रैवल हिस्ट्री को देखते हुए कहीं पे भी हमारे को कोई अगर संपर्क मिलता है, कोई भी ऐसे लोग जो इस उसमें जमात में जाकर आए हैं या किसी के संपर्क में आए हैं जो कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए, तो निवेदन है कि हम लोगों की हेल्पलाइन 108 लगातार ओपन है, आप उसमें जानकारी दे सकते हैं, हम लोग उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करेंगे। हम लोगों की कोशिश है कि सब लोग मिलकर इस बीमारी को आगे बढ़ने से यहीं रोक लें। अगर हम सब लोग मिलकर इसको यहाँ रोक लेंगे, तो बीमारी के ऊपर हमारी जीत कम्प्लीटली हो जाएगी। पलवल में हमने 2 दिन पहले हमें पता लगा कुछ 10 आदमी बांग्लादेश से हैं और 2 आदमी आसाम और बिहार से थे। हमने उनको आइसोलेशन वार्ड में तुरंत शिफ्ट किया, पता लगते रात को ही, और उनके सैंपल तक भेजे गए। और पता लगते ही, क्योंकि हमने 144 के ऑर्डर कर रखे थे कि कोई भी बाहर का फॉरन का बासिंदा कोई भी हमारे एरिया में आता है तो वो क्वारंटाइन में हमने रखना है। और कंसर्न सरपंच को हमने कल ही सस्पेंड कर दिया। 5 गांव के सरपंच जहाँ जहाँ ये आदमी घूमे हैं और वहाँ के नंबरदार चौकीदार को भी शोका नोटिस भेजा है। और इन गांव में हमने हाउस टू हाउस सैनिटाइजेशन कल ही करवा दिया। इसके अलावा इन 5 गांवों को कंटेन कर दिया है। जैसे ही रात को पॉजिटिव रिपोर्ट आई, कंटेन के ऑर्डर कर दिए और 6 गांवों को बफर जोन डिक्लेयर कर दिया है। और वहाँ पर मेडिकल टीमें चली गई हैं, एक वहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन हर आदमी की ली जाएगी, हर जो बासिंदा है गाँव का इंफॉर्मेशन ली जाएगी, उसकी हेल्थ कंडीशन ली जाएगी, बैरिकेडिंग लगा दी है, जो खाने की सप्लाई होगी वो भी वहाँ पर पुख्ता इंतजाम के लिए मजिस्ट्रेट लगा दी 5 गाँव में, टेस्टिंग को और मजिस्ट्रेट लगा दिया है। तो किसी भी गाँव में अगर हमें ऐसा कोई लगता है इसमें सिम्टम्स हैं, तो उसको हम तुरंत क्वारंटाइन होम में
शिफ्ट कर देंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन।